नगर पंचायत सिरसी के अंदर मौजूद है। जाफर साहब एक बात बताइए, किधर जा रहे हैं 2024 में मुसलमान? मुसलमानों को हर जगह तंग किया जा रहा है, मस्जिद मदरसे तोड़ जा रहे हैं, बिल्डर मुसलमानों घर पर ज्यादा चलाया जा रहा है। आप युवा हैं और युवा होने के बाद किधर जाएंगे आप? किसी भी नेता ने कोई काम नहीं करा, वोट लिए यहाँ से और कोई काम नहीं करा। मुस्लिमों के मदरसे बंद किए जा रहे हैं, आपने कहा कि उर्दू तो पढ़ाई जाएगी, क्या एक पौधे को खेड़ कर दूसरा लगाना संभव है? मुसलमान अपने विकास के लिए सोचता है, मुसलमान अपनी नई जनरेशन के लिए सोचता है। किसानों को तो 6,000 रुपए और मजदूरों को कुछ ना, बेचारा मजदूर मर गया। आज भी देखिए हमारी ये करीबन 70,000 की आबादी है सिरसी, यहाँ पर कोई भी रोजगार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये मुस्लिम ही ना, कोई समुदाय इनको वोट नहीं देगा। मियाँ जी किधर चले की खास पेशकश में आज हम संबल लोकसभा क्षेत्र के नगर पंचायत सिरसी के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर लगभग 30,000 से 35,000 मुस्लिम वोट है। आखिरकार मुसलमान क्या सोचता है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के, मुसलमान किधर वोट करने जा रहा है? तमाम यहाँ से हम मुसलमानों के मूड के भापने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार उनके मन में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, क्या मुसलमान के मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर मुसलमान वोट करेगा। फिलहाल हम यहाँ पर जो लोगों से बातचीत करेंगे उससे ये भी अंदाज़ा निकालने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनके दिल और दिमाग में लोकसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी की तरफ ज़्यादा रुझान है। क्या गठबंधन का उत्तर प्रदेश के अंदर में जो विस्तार हुआ है, जिस तरह से गठबंधन बना है, क्या वो साकार होगा या नहीं? मोदी ने जो 400 पार का नारा दिया है, क्या वो नारा साकार करते हुए मुसलमान साथ आएगा या नहीं? मोदी पर मुसलमान मेहरबान होगा या नहीं? मुल्क मोदी और मुसलमान के चर्चे अक्सर मुसलमान सुनता है, लेकिन क्या मोदी से मुसलमान की नाराजगी है या फिर मोदी को पूरी तरह से एक बार और समर्थन देने के लिए मुसलमान तैयार है? तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हम सिरसी के लोगों का मूड भापने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार मियाँ किधर चले। तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, हम NH हाईवे पर हैं फिलहाल, और यही वो रास्ता है जो उत्तर प्रदेश का रास्ता है जो सीधा दिल्ली को टच करता है, और दिल्ली अगर आपको जाना है तो उत्तर प्रदेश के रास्ते से आपको गुजरना पड़ेगा। सीधी बातचीत करते हैं, क्या नाम है मियाँ आपका? मेरा नाम आशिक अब्बास जाफरी। जाफरी साहब एक बात बताइए, किधर जा रहे हैं 2024 में मुसलमान? मुसलमान तो सब साइकिल के साथ हैं और जियाउर रहमान के साथ हैं। गठबंधन के साथ मुसलमान? गठबंधन के साथ है बिल्कुल। इतनी मजबूती के साथ कैसे कह रहे हैं? हमारा हाथ में माहौल ही है, इतने लोग हैं यहाँ पे, है यहाँ का माहौल है, तो मुसलमान है, मुसलमान सीट है, तो यहाँ तो जियाउर रहमान के साथ है। नवयुवा है, उनका मूड टटोलने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है, क्या सोचते हैं वो। क्या नाम है आपका? शायर के द्वारा नाम है मेरा। शायर साहब एक बात बताइए। जी जी। नाम आपका शायर जैसा है? जी। शायर ही है क्या? नहीं नहीं, शायर नहीं है, नाम शायर है। नाम शायर है, शायर पे खड़े हैं जी। ठीक है, किस्मत का कोई डर नहीं, अब तो झोंका देखना है हमें। किधर है लोकसभा चुनाव 2024? लोकसभा चुनाव 2024 जो है इंडिया गठबंधन को उसकी सरकार बनने जा रही है, और यहाँ हमारी सीट से ये संबल जो क्षेत्र है ये पूरा समाजवादी पार्टी को जाता है, समाजवादी पार्टी को जाएगा, बीजेपी को नहीं जा सकता, क्योंकि मोदी जी से आदमी कैसे जुड़े, मुसलमान कैसे जुड़े? आप देख रहे हैं दिल्ली में नमाज पढ़ते मुसलमानों को नमाजें लाते मारे जा रही हैं, मुसलमानों को हर जगह तंग किया जा रहा है, मस्जिद मदरसे तोड़े जा रहे हैं, बिल्डर मुसलमानों को घर पर ज़्यादा चलाया जा रहा है। कुछ और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार लोकसभा चुनाव को लेकर के वो क्या सोचते हैं 2024 को लेकर के, खासतौर से मुसलमान की तरह। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा हाशिम अली। इनके बारे में बताइए, नाम बताइए। नाम मेरा नाम हाशिम अली। अच्छा भाई बताइए, किधर जा रहे हैं 2024? यार बोलो। समाजवादी में जा रहे हैं, बड़ी मजबूती के साथ समाजवादी। कारण जो हम तो है गठबंधन की सरकार है, गठबंधन के साथ हैं। कुछ और लोगों से बातचीत। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा इरफान हैदर नाम है। हैदर साहब एक बात बताइए, 2024 में किधर जाएगा मुसलमान? देखिए 2024 में मुसलमान और हिंदू सब गठबंधन के साथ ही जाएगा, इंडिया गठबंधन, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई हमारे देश में, महंगाई इतनी बढ़ गई कि तराई तराई कर रहे हैं नौजवान, नौकरी के लिए तरस रहे हैं, बेरोजगारी की हद हो गई है, यानी इतना जवान तबका इतना बेरोजगार है, परेशान है सब। बरक की सिंपैथी है, लगेगा आपको कि बरक साहब की सिंपैथी के साथ में जियाउर रहमान बरक को फायदा होगा? जी बिल्कुल होगा, बरक साहब की सिंपैथी बहुत है उनके पोते के लिए, जियाउर रहमान के पोते के, उनकी विरासत को संभाले हुए हैं जियाउर रहमान, और उनको जो है उनके नक्शे कदम पर चल के लिए जियाउर रहमान भी वही काम करेंगे जो उनके दादा ने किया है। कुछ लोगों का कहना यह आता है अक्सर जो फील्ड में हम लोग बातचीत करते हैं कि नवाब साहब जो नाराज़ हैं उसका कितना नुकसान हो सकता है बरक साहब? नवाब साहब नाराज़ नहीं है, क्योंकि
गठबंधन हो गया है, जब कांग्रेस सपा के साथ है तो नवाब साहब भी तो सपा में ही है, ये कहाँ जाएंगे। और लोग उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है। नवयुवक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तमसील असगर है। असगर साहब ये बताइए, आप युवा हैं और युवा होने के बाद किधर जाएंगे आप? हम बीजेपी का चुनाव लड़ाएंगे। बीजेपी ने काम किया है मुसलमानों के लिए कि जो पिछली सरकारें थी, समाजवादी थी और भी सरकारें थी, उनकी सरकार में गुंडागर्दी थी और कुछ नहीं था, पर जब से बीजेपी आई है कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है और मुसलमान पढ़ रहा है, मुसलमान पढ़ाई पे गौर कर रहा है जब से बीजेपी आई है। पिछली हुकूमतों में सब गुंडागर्दी थी, कानून व्यवस्था बिल्कुल ही बदमाशों के हाथ में थी, पर अभी मुसलमान इस बात पर गौर कर रहा है और मुसलमान बीजेपी से जुड़ रहा है और हम बीजेपी का ही चुनाव लड़ाएंगे। और संभल क्षेत्र में हमेशा से समाजवादी देखी हमने, पर समाजवादी के किसी भी नेता ने कोई काम नहीं करा, वोट लिए यहाँ से और कोई काम नहीं करा यहाँ पे। तो आपके पब्लिक का भी रुझान है कि बीजेपी का चुनाव लड़ाया जाए और लोग भी बीजेपी से बहुत जुड़ रहे हैं। कुछ और लोगों से बातचीत, क्या नाम है चाचा आपका? यार क्या बदला हूँ मैं, बताइए। आप अपनी बताने लगते हैं, जब किसी की बात सुनना है तो उसकी सुने ना, अपनी क्यों बताते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा? आप दखलंदाजी क्यों करते हैं? क्या दखलंदाजी, बताइए। आप ना भी करिए क्या भाई चुनाव, मतलब किसी ने कहा कि मतलब मुस्लिमों के मदरसे बंद किए जा रहे हैं, आपने कहा कि उर्दू तो पढ़ाई जाएगी, क्या एक पौधे को खेड़ के दूसरा लगाना संभव है? जो उनकी पढ़ाई चल रही है उन्हें क्यों बंद करा जा रही है? जब पढ़ाई जाएगी तो कहीं से अलग से पढ़ाई जाएगी, या हमारे धर्म के अलावा दूसरे धर्म में ज़्यादा है उर्दू? मतलब हमारे धर्म के पास नहीं है तालीम, जो वो वाले मदरसे ख़त्म करने के बाद और वादा करा जा रहा है कि आगे को हाई स्कूल में भी उर्दू पढ़ाया जाएगा, बीए में उर्दू पढ़ाया जाएगा, पहले से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इनमें क्या बात थी जो मौजूद चल रहे हैं? हमारी सरकार बढ़िया है, बेहतरीन है, सबसे ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन यहाँ आने के सबसे बड़ी कमी ये है कि सियासत में धर्म पर क्यों लड़ती है सरकार? क्या ज़रूरत थी कि भाई इतने सालों से, मतलब ये है कि हमारी बाबरी मस्जिद जो ही उसमें ताले पड़े हुए थे, हम लोगों को कोई परेशानी ना थी, किसी धर्म को नहीं दी गई थी, राष्ट्रीय कर दी गई थी, लेकिन उसके ताले खोलने के बाद एक जगह को तोड़ दिया गया और दूसरा बनवाया जा रहा कि एक भगवान को मिटाकर दूसरा भगवान पैदा करा जाता है। ये आपका कहना है हिंदू तत्व की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, तो चलो हिंदू तत्व की राजनीति करती है, आपकी बात को मैंने बड़ा किया। सरकार को अच्छा मानना है, बढ़िया मानना है, हमारा साथ दे रही है, सब कुछ दे रही है, खाने को दे रही है, कॉलोनी दे रही है, मुसलमानों को पीएम किसान दे रहा है, कौन सी सरकार ने दिया है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन यहाँ आन के दिल क्यों तोड़ा जा रहा है कि नागरिकता नहीं दी जाएगी उन्हें? हिंदू भाइयों को दी जाएगी, उन्हें जब वहाँ मिली मिलाई है, हमारे मुस्लिम देश दे रहे हैं उन्हें 7 लाख मुसलमान मतलब हिंदुओं को, तो उन्हें तो यहाँ दी जा रही है, उन्हें तो उल्टा करा जा रही है, जब हम खुद खिला रहे हैं उन लोगों को तो उन्हें यहाँ क्यों दी जा रही है? क्या नाम है आप? मेरा नाम कुमैल है। कुमैल एक बात बताओ, 2024 में किधर जाएगा मुसलमान, क्या सोचते हैं मुसलमान? मुसलमान अपने विकास के लिए सोचता है, मुसलमान अपनी नई जनरेशन के लिए सोचता है कि आने वाली जनरेशन के लिए कौन बेहतर है, जो उसके लिए बेहतर होगा मुसलमान उसकी तरफ जाएगा, जो मुसलमान के लिए सोचेगा मुसलमान के विकास के लिए सोचेगा, या जो भी एजुकेशन के लिए सोचेगा उसके साथ मुसलमान जाएगा। अभी तक क्या मूड बन पाया है? जो पहले से चला रहा है मूड वही मूड है संभल लोकसभा का, तो क्या मूड है? जैसे हालात चल रहे हैं उसी पर तैयार है सब, आवाम जो के नाम है क्षेत्र की है या वैसे भी है बस्ती की है कस्बे की, अब विकास देगी लाइटें वाइटें सब यहाँ सिरसी के अंदर। भारतीय जनता पार्टी को क्या मोदी का सहारा मिलेगा? देखिए मुसलमान जो पढ़ा लिखा है, जो डेवलपमेंट चाहता है, विकास चाहता है और क्या नाम है एजुकेशन चाहता है, वो अच्छी सरकार ही चुनता है वो, और इसीलिए चुनी जा रही है। बीजेपी को मोदी का सहारा या मोदी को बीजेपी का सहारा? देखिए ये तो एक प्रधानमंत्री जी का ही सहारा है साहब, प्रधानमंत्री जी से ही सरकार चल रही है तो उन्हीं का सहारा है। अभी बातचीत चल रही थी, मंदिर मस्जिद की बात हो रही थी, कहते हैं कि लोग बीजेपी जो है हिंदू तत्व की राजनीति करती है, आप मानते हैं इस बात को? नहीं नहीं ऐसे तो अब दुबई में जो मंदिर बना वहाँ तो कोई हिंदू भी ना है भाई, दुबई में कोई हिंदू थोड़ी ना है, दुबई में मुस्लिम हुकूमत है, वहाँ क्यों बना? जबकि माँ वहाँ विरोध होना चाहिए, यहाँ के मुसलमानों को करना चाहिए माँ के लिए विरोध, क्योंकि भाई वहाँ पर क्यों, जब वहाँ पर कोई हिंदू है ही नहीं तो माँ क्यों मंदिर बन गया? वो तो मुस्लिम हुकूमत है, वहाँ पर तो है ही नहीं हिंदू हुकूमत, तो भी पीएम साहब ने और यहाँ से प्रधानमंत्री को बुलाया गया है।
भाई ज़्यादातर यहाँ से प्रधानमंत्री वहाँ उद्घाटन करने गए, यहाँ से संत समाज गया, तो ये जो है सब डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, इंसान नई सोच लेके जा रहा है और विकास की ओर बढ़ रहा है। तो लोग हमारे साथ उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका भैया? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है महबूब। महबूब भाई एक बात बताइए, किधर जाएंगे 2024 में, क्या मुद्दे हैं इस बार? भाई जान लोगों तो हम किधर को जा सकते हैं, मगर ये सरकार जो है ना हमारी योगी जी की जो सरकार है वो सही है, मगर इसमें एक कमी है, किसानों को तो 6,000 रुपए और मजदूरों को कुछ ना, बेचारा मजदूर मर गया बहुत बुरी तरीके से, ना उसका राशन कार्ड है, मालदार आदमी का राशन कार्ड है, जितने हैं मालदार आदमियों के निकलेंगे राशन कार्ड, गरीब का दिखा दो तुम मुझे किसका है यहाँ पे, बेचारों को गरीब का है ही ना, उसे इतना बहुत फुर्सत ना आ वो बनवावे जाके कहीं जावे कोई बतावे उसे, और तमाम मजदूरी में रहे बेचारा, वो उसे कोई परेशानी है उसे, ये समझ लो। तो क्या सोच रहा है इस बार मुसलमान? मुसलमान तो बस सोच रहा है, बस जो सोच रहा है, मुसलमानों के लिए तो कुछ ही ना है, 500 का सिलेंडर करवा दो, ये सोच रही है। पहले तो ये है मेरी मजदूरों की आवाज़ उठाई जावे, जो मजदूर हैं उत्तर प्रदेश में हमारे, जो मजदूर हैं उनकी आवाज़ उठाई जावे, उन्हें उनका हक दिलाया जावे, बेचारे उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। बस हमारे कुछ और लोग उनसे बातचीत करते हैं, नवयुवक है, क्या नाम भैया आपका? हकीम मुजम्मिल हुसैन अंसारी। हकीम साहब एक बात बताइए, किधर जा रहे हैं 2024 में आप? देखिए जाने की बात ऐसी है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, हमारी कौम के और मुसलमानों के ओबीसी के अल्पसंख्यक के हकूक की बात कौन सी पार्टी कर रही है ये बताइए। समाजवादी पार्टी को हम वोट क्यों दें? 35 साल से नवा इकबाल महमूद साहब यहाँ से विधायक रह चुके हैं, 5 बार उनको टिकट मिला और वो जीते भी, तो सिरसी में कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना काम हुआ है, आज भी देखिए हमारी ये करीबन 70,000 की आबादी है सिरसी, यहाँ पर कोई भी रोज़गार नहीं है, कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, और सारे युवा सब यहाँ के ऐसे ही बेकार। तो ये बताइए कि समाजवादी पार्टी को हम वोट क्यों दें? लोगों ने जहन में बिठा रखा कि अखिलेश को वोट देंगे, क्यों देंगे, किस बेस पे देंगे, कौन सी पार्टी है जो हमारे हकूक की आवाज़ उठा रही है मुसलमानों के? क्या आवाज़ उठाई आजम खां जेल में, क्या आवाज़ उठाई नवाब साहब ने कभी सिरसी में आके देखा? गठबंधन को लेकर के 2024 में क्या पास हो जाएगा या फेल हो जाएगा? नहीं, गठबंधन पास या फेल वो तो बात की बात है, लेकिन हमारे कौम की आवाज़ कौन उठा रहा है? जो अल्पसंख्यक हैं, जो परेशान हैं मुस्लिम आज के वक्त में, सांसद में या विधानसभा में या कहां पर कौन से हमारी आवाज़ उठाई जा रही है बताइए? बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो हमारी गिनती नहीं हो रही, हमारे वोट की कोई अहमियत नहीं है, हमारा वोट माना नहीं जा रहा, हम ये नहीं कह रहे सरकार गलत है, लेकिन जो है जातिवाद की जो राजनीति यहां पर आके खटकती है, की राजनीति करती है बीजेपी, मानते हैं? बिल्कुल करती है। एक दो एग्जांपल बताएं। बहुत सारे एग्जांपल हैं कि जैसे मान लीजिए रोड पर नमाज पढ़ना है लोग, तो उनको पुलिस वाले जो है मतलब वो परेशान करते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं, और कहीं चौकी थाने में मुस्लिम पक्ष का कोई जाता उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था, तो हम उसी के साथ हैं, उसी को उनको फॉलो करना चाहिए, उसी को जो है उनको लागू करना चाहिए। कुछ और लोग हैं उनसे बातचीत करने का यहाँ से प्रयास करेंगे कि आखिरकार लोकसभा चुनाव 2024 में मुसलमान किधर जा सकता है, क्या सोच रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद उस्मान। उस्मान साहब एक बात बताइए, लोकसभा चुनाव में 2024 में तीसरे चरण में आपके यहाँ पे मतदान है, किधर जा रहा है मुस्लिम कांग्रेस समाजवादी गठबंधन के साथ? मानते हैं कि गठबंधन साकार होगा? हाँ इंशाल्लाह जरूर। मुस्लिम किधर जा रहा है, क्या बीजेपी के पल्ले में जा सकता है इस बार? ना मुश्किल है। कारण? कारण यही है कि ये विकास नहीं कर रहे। अगर देखिए कुल मिलाकर के एक सिस्टम है, अपने देश को भारतवर्ष को आगे बढ़ाना है तो इसमें विकास करना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा युवाओं को, व्यवसाय आगे बढ़ाना पड़ेगा, इनका ये काम है नहीं, इनको बढ़ाना नहीं है। 10 साल में आज तक इन्होंने, मैं समझता हूँ कि 10 लाख नौकरी नहीं दिए, व्यवसाय सब ठप कर दिए, बिजनेस सब ख़त्म कर दिए। तो मैं समझता हूँ कि ये मुस्लिम ही ना, कोई समुदाय इनको वोट नहीं देगा। नितिन गडकरी की बात करते हैं, आप तमाम सड़कों पर जा रहे हैं, हाईवे पर आप जाते होंगे, आपने देखा होगा आयुष्मान कार्ड का फ़ायदा मुसलमान को मिला होगा, अनाज का फ़ायदा मुसलमान को मिला होगा, आखिरकार फिर नाराज़गी और दूरी क्यों? ना अनाज तो ऐसे मान के चलो, हमारी भी इतनी उम्र आ गई, ये तो पहले से ही मिलता चला आता है, पहले चीनी वगैरह और आपका तेल मिलता था पहले।
5 लाख की सुविधा, 5 किलो गेहूँ में 6 यूनिट जिसके हैं उसको मिल गया है 5 किलो यूनिट, वो 5 किलो ये अनाज मिल रहा है। तो मुझे आप ये बता दो, 5 किलो अनाज से 6 सदस्यों वाला परिवार चल जाएगा? तो और लोग हैं उनके मूड को टटोलने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम मुकीम अली। मुकीम भाई एक बात बताइए, आप लोकसभा चुनाव 2024 में मुसलमान किधर जा रहा है? इसमें मुसलमान जो है वो विकास की तरफ देख रहा है। आज तक अगर हम डिस्ट्रिक्ट संभल की बात करें तो आज तक जो भी विधायक रहे हैं, लेकिन आज तक कभी किसी पार्टी के नेता ने हमारे संभल का या संभल की आसपास के ग्रामीण क्षेत्र का या कस्बों का कोई ऐसा काम न करा जिससे ऐसा लगे कि हाँ संभल क्षेत्र का विकास हुआ है। लेकिन पहली बार ऐसा लगा जब से भाजपा की सरकार आई है, तो पहली बार डिस्ट्रिक्ट संभल के अंदर एक बहुत बड़े लेवल का मेडिकल कॉलेज पहली बार बनता हुआ हम लोग देख रहे हैं। इलाके में देखें आप तो सड़कों की हालत बहुत ख़राब रहा करती थी पहले, लेकिन आज की तारीख में सड़कें आप देखें तो ग्रामीण क्षेत्र की, शहर की, कस्बों की, हर तरह गली कूचे सड़कें सब VIP बनी फिर रही। तो जब से भाजपा सरकार आई है विकास होता हुआ नज़र आ रहा है, और हिंदू हो या मुसलमान हो हर आदमी विकास की तरफ काम कर रहा है। मैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर रहता हूँ, अभी रात में आया हूँ। आज से 8 साल पहले, सन 2014 से पहले ऐसा कभी नहीं होता था कि एक आदमी 50,000 रुपये जेब में डाल के और वो जंगल में घूम रहा हो। अभी मैं जंगल में काम करके आया हूँ, मैं देखता हूँ कि आधी रात हो, दिन के 12 बज रहे हूँ, कोई लूट खसोट अब नहीं होती। कुछ और लोगों उनसे बातचीत करने का प्रयास करता है। भाई क्या नाम है आपका? इरफान। मैं किधर चले 2024 के चुनाव में किधर जा रहे हैं आप? हम तो भाई समाजवादी गठबंधन जाएंगे। गठबंधन क्यों? क्योंकि जो भी करा है योगी सरकार में नहीं हो पाया है वो, लेकिन जो करा है अखिलेश की सरकार में वो हो पाया है। क्या हो पाया? जो भी विकास है अखिलेश की सरकार में बेहतर हुआ, लेकिन योगी की सरकार में नहीं आया। CA ले लो, मुसलमान को क्यों हटाया गया इससे? मुसलमान को क्यों हटाया गया? मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, क्यों नहीं? मुसलमान भी तो हिंदुस्तान के नागरिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल नागरिक है। नागरिक मुसलमान को क्यों हटाया गया CA से? मुसलमान को भी नागरिकता देते ही है लोग, सबका साथ सबका विकास करते हैं, लेकिन मुसलमान को अलग कर दिया गया। इससे फर्क पड़ता नहीं पड़ता है मुसलमान पे? दोहरी राजनीति हो रही, दोहरी नार। हाँ जी, मुसलमान को भी रखते इसमें, रखते नहीं रखते। देखिए आइए चलते हैं आगे और कुछ और लोगों का मूड भापने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में किधर जा सकता है मुस्लिम समुदाय का लोग। हमारे साथ कुछ और लोगों से बातचीत है। क्या नाम है सर आपका? अली मोहम्मद। अली साहब एक बात बताइए, 2024 में किधर जा रहा है मुसलमान? देखिए सरकार जो मौजूदा सरकार है वही जो है वो तरक्की कर रही है देश की, और मेरे ख्याल से तो वहीं जाएगा, उसी पे ही जा रहा। मुसलमान मानना है कि जुड़ रहा है सरकार का योगी जी के साथ मोदी? हाँ थोड़ा बहुत तो जुड़ ही रहा है, जुड़ रहा है। गठबंधन? गठबंधन के बारे में नहीं पता। हाँ मतलब कुछ और लोग उनसे बातचीत करते हैं। सर ये बताइए गठबंधन की क्या स्थिति रह सकती है? आप गठबंधन तो कई बार बने और कई बार बिगड़े, ये नया गठबंधन हुई है। अब गठबंधन अलग है, कैंडिडेट अलग है, वो वक्त बताएगा कि लोक दल का गठबंधन भी समाजवादी से था। गठबंधनों की कोई वैल्यू कोई ना होती है हिंदुस्तान में, ये तो साझे की इंडिया कब चौराहे बूटे पते ना चलती। मुल्क मोदी और मुसलमान क्या मानते हैं इससे? यही चीज है, यही ज़्यादा बेहतर लगता है। हैं आपको क्या बेहतर लगता है? मुझे तो ये बेहतर लगता है। बेहतर आपको भी यही लगता है, मुझे भी, हर एजुकेटेड को हर समझदार को यही बेहतर लगेगा। जो दिल और दिमाग से सोचेगा तो वही, खाली जो दिल से सोचेगा उसके लिए कुछ बेहतर नहीं है। बिल्कुल, देखिए दिल और दिमाग दोनों से सोचने की जरूरत है, शांति के साथ में लोग विचार करें और आखिरकार लोकसभा चुनाव 2024 में किधर वोट करें, ये हर नागरिक का अधिकार है वोट करना, और वोट की कीमत को भी समझें। सर क्या नाम है आपका? साबिर अली। साबिर अली साहब एक बात बताइए,
2024 में किधर जा रहा है मुसलमान? तो हमारा तो रुझान यही समाजवादी पार्टी की तरफ रहता है, हम तो समाजवादी के आदमी हैं। सर क्यों समाजवादी पार्टी के ऊपर आखिरकार इतना मेहरबान? मेहरबानी ये है कि सर वो सामने से कोई वार नहीं करते हैं लोग ऐसा, और जो लोग सामने से वार कर रहे हैं हमारे ऊपर अब तो कैसे हम उन्हें वोट देने, बताइए आप। कौन कौन सा वार हुआ? बीजेपी जैसे क्या करती है अक्सर, अब ये मुस्लिम बस्ती है हमारी, हमारे ऊपर पुलिस को इतना ज़बरदस्त वो कर रखा है कि हम ईंट का कारोबार करते हैं हम लोग, यहाँ पे थाना में डेरे 3000 रुपये महीना में वहाँ एंट्री देनी पड़ती है, तो सारे जो भी हमारा कारोबार है मुसलमानों का है यहाँ ईंट का, कोई कुछ बोल नहीं सकता है, कोई हमारा नेता नहीं है ऐसा बीजेपी में मुसलमान जो हमारी सुन ले बात, जो मनमानी आती पुलिस करती है, अब हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं है बीजेपी का नेता, तो हम क्या करें बताओ वोट दे, बताइए। बीजेपी के अंदर मुसलमान लीडर शाहनवाज हुसैन है, मुख्तार अब्बास नकवी है, जफर इस्लाम, ये बहुत ऊंचे लेवल के लीडर हैं, हम वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं? यहाँ कोई मकामी लीडर होता मुसलमानों का बीजेपी में और वो हमारी बात सुनता तो हम उससे जुड़ते, वो बीजेपी से जुड़ा होता तो शायद रुझान भी होता हमारा, अब ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। सिरसी में तो भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन बन गए। हाँ चेयरमैन बन गए साहब, अब बन गए तो बन गए, क्या है अब कैसे बन गए क्या बन गए ये क्या है। लोकसभा चुनाव 2024 को अगर बात की जाए और उसको समझने का प्रयास किया जाए, गठबंधन के अंदर में जैन चौधरी भी जा चुके हैं, तो गठबंधन क्या मजबूत रहेगा? यार इसमें कुछ कह नहीं सकते साहब, ये तो इलेक्शन है, पब्लिक का रुझान है, एक दिन पहले एक घंटा पहले कुछ भी बदल देती है अपना फिलहाल पब्लिक। ये तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की वो आनी शुरू हो गई हैं, और यहाँ पर खास तौर से सिरसी नगर पंचायत के अंदर अगर बात की जाए तो 60 से 70 हज़ार के करीब ये आबादी का नगर पंचायत का एक कस्बा है, और इसके अंदर में लगभग 35 हज़ार के लगभग मुस्लिम वोटर हैं, और वो अपनी किस्मत जो अब आजमाने की तैयारी कर रहे हैं कि आखिरकार लोकसभा चुनाव 2024 में वो किधर वोट करेंगे। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि वो गठबंधन के साथ हैं, और कुछ लोग यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के साथ विकास की बात करते हैं, क्योंकि सबका साथ सबके विकास की जो बात मोदी जी ने कही है उसके साथ ही मुसलमान का पलटा यहाँ पर झुकता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मोदी ने 400 पार का जो नारा दिया है कहीं ना कहीं वो भी साकार होता हुआ अब नजर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मोदी पर इस बार कुछ ना कुछ मुसलमान, जो खास तौर से सिरसी की अगर बात की जाए सादात की, क्योंकि यहाँ पर ये वो गढ़ है जहाँ से रजा सिरसी भी जैसे शायर निकले और तमाम अहले बैत की शान में पढ़ने वाले जो शायर हैं वो यहाँ से निकलते हैं और देश और विदेश तक अपना परचम लहराते हैं। देखना होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 का जो नतीजा होगा वो क्या आएगा, और 2024 का जो ताज है वो किसके सर पर सरता है, ये देखने वाली बात होगी। वर्ल्ड जर्नलिस्ट समिंदर के साथ सैयद दुआ सलीम, न्यूज़ स्टेट संभल।